जैसे जैसे 2024 के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राहुल गांधी के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। पहले तो राहुल गांधी डिलीवरी बॉय के साथ दिखे, उसके बाद उन्होंने ट्रक में सवारी की, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी की ताकत देखिए, जिन्होंने राहुल गांधी को स्कूटी पर बिठा दिया और ट्रक में बिठा दिया। आलिशान जिंदगी जीने वाले राहुल गांधी कहां से कहां पहुंच गए, अर्श से फर्श पर पहुंच गए। इतना कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी ने फिर एक बार ऐसा काम किया है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बवाल मचना तय है। इस बार राहुल गांधी ने किसी डिलीवरी बॉय या किसी ट्रक में सवारी नहीं की, बल्कि इस बार वो खुद गाड़ी बनाने लगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के एक गैरेज में पहुंचकर वहां के मैकेनिक्स के साथ काम किया। राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। फोटो में देखा जा सकता है कि राहुल के सामने एक बाइक खुली हुई है, साथ में कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक अन्य फोटो में राहुल एक बाइक में स्क्रू ड्राइवर से पेच कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो में वो गैरेज कर्मी से मशीन की जानकारी ले रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं, इन कपड़ों पर लगी कालिख हमारी खुददारी और शान है। ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई। अमरेंद्र बाहुबली नाम के यूजर ने लिखा, पप्पू अभी सिर्फ बाइक ठीक कर रहे थे, थोड़े दिन में ये पंचर भी बनाने लगेगा, मोदी का डर क्या क्या नहीं करवाएगा इनसे, बोल नहीं सकते। गुरदीप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, ये लाइफ में करेगा क्या और करना क्या चाहता है, ये डिसाइड तो कर ले या बस यूं ही बेरोजगार कामचोर की तरह घूमता रहेगा। कभी यात्रा कर ली, कभी पुशअप मार लिया, कभी समंदर में डुबकी, कभी ट्रक का हेल्पर तो कभी बाइक मैकेनिक, करना क्या चाहते हो भाई। डॉक्टर रोहित उपाध्याय नाम के यूजर ने लिखा, चुनाव से पहले कांग्रेस अपने शहजादे को ऐसे कई नए किरदार में दिखाएगी, मगर उन्हें ये नहीं पता कि कुछ भी कर लो पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। फिलहाल अब आपकी क्या राय है तस्वीर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।